देवभूमि कुल्लू जिला में बौद्ध भिक्षु धर्मशाला से लेकर लद्दाख 700 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकले हैं। इस पैदल यात्रा में थाईलैंड और महाराष्ट्र के 150 से अधिक बौद्ध भिक्षु विश्व शांति और बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान कड़ी धूप में सैकड़ों बौद्ध भिक्षु 175 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरा कर कुल्लू पहुंचे, जहां से सीधे मनाली के लिए रवाना हुए। नाम अनिल वाघमारे, थाईलैंड वाले और महाराष्ट्र वाले मिल के सब जा रहे, और कुछ बाहर देश के बंदे जी बड़े बड़े ये लद्दाख को जा रहे हम। धम्म पैदल यात्रा है, इसका ये कुछ है कि धम्म का प्रसार हो, इसीलिए ये थाईलैंड के आए वाले भिक्षु है 110, ये 100 भिक्षु है, तो ये हमको महाराष्ट्र वाले को हमको लेके चल रहे हैं नागपुर से। ये धर्मशाला से निकले ले लद्दाख तक पैदल जाएंगे, कुछ पैदल चले 10-15 दिन और गाड़ी से कई ऐसे, अभी धर्मशाला से निकले तो डायरेक्ट लद्दाख को जाएंगे पैदल। 200 भिक्षु है, कुछ महिला है आगे गए वाले सफेद कपड़े पर। मेरा नाम सम्यक सोनटक्के है, से हूँ। ये धर्मशाला से ले लद्दाख तक के है जो 700 किलोमीटर का सफ़र है, और इसका मकसद जो है वो है विश्व का शांति, मतलब शांति का मार्ग दिखाने के लिए। हाँ, टोटल 143 लोग हैं। अभी हम कुल्लू मनाली में है ना, और 700 किलोमीटर का सफ़र है ये, 700 किलोमीटर का। और पूर से हम चले थे दीक्षा भूमि से, यात्रा चालू दीक्षा भूमि से, और हम अभी मनाली में रुकेंगे 2-3 दिन, वहाँ स्टे हमारा, उसके बाद हम लद्दाख लिए निकल जाएंगे वहाँ से। हाँ, सीडी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।